जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में ये जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई है 12,828 सीट पे, दो दिन पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था दोस्तों, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे एक ही कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि इसका रिजल्ट कब आएगा। दूसरी चीज़ कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों रिजेक्ट होते हैं, और एक बात और सर ये बताइए क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें। तो दोस्तों, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई है इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हो ना या नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है वो 12,828। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 22 मई से और 11 जून लास्ट डेट होने वाला है। तो दोस्तों, कोशिश ये कीजिएगा कि 8 या 9 जून तक से पहले पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में सर्वर इतना स्लो हो जाता है कि आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो। 10th पास कैंडिडेट ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मेरिट बेस सिलेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों, अब आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, नंबर एक की बात करेंगे तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आया करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है दोनों एक ही में आते हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए दोस्तों। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो सेंट्रल लेवल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। काफी सारे बच्चों के पास क्या है कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, तो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहां पे नहीं चलने वाला है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। और स्पेशली ओबीसी के कैंडिडेट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर दो प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। अगर आपका फलाना इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमिलियर में आते हैं, और जिनका फलाना इनकम 8 लाख से नीचे है वे नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, तो आपका वो सर्टिफिकेट बनेगा, बनवा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं बनवा है तो। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बनेगा दोस्तों, यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि आपके नेशनैलिटी को दर्शाता है कि आप परमानेंट कहाँ के निवासी हैं, वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। चौथे नंबर की बात करेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कहाँ बनेगा तो आपके नज़दीकी सिटी हॉस्पिटल में जाइएगा, 1 से 2 दिन के अंदर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो पीएच हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट हैं तो वे अपना जो है विकलांगता सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लीजिएगा। नंबर 6 की बात करेंगे तो आपके पास आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो खैर आपके पास होंगे ही, लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो अभी से आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होगा कि आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि समय लगता है बनवाने में, इतनी जल्दी नहीं बनता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनवा लीजिए दोस्तों, और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर ये बताइए क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशल डाक के अंतर्गत ये जो वैकेंसी आई है भारतीय डाक विभाग में, इसके नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि आपको जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। हाँ, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए थोड़ा बहुत दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर है तो लगा दीजिएगा, और नहीं है दोस्तों तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना वो किस लिए रिजेक्ट होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो इसीलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, कुछ लोगों के पास जो होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है, है ना, आधार कार्ड का नाम जो है वो गलत होता है, तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा दोस्तों, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होता है उसके बाद जो है आपके 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा जाएगा दोस्तों, जीमेल पर इंटीमेशन भेजा जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ये सारे दस्तावेज जो मैंने आपको बताया है वे सारे देखे जाएंगे, जिसमें कि आपका सभी में नाम, पता, फादर
नेम सब में सेम होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम पता फादर नेम मदर नेम सब कुछ सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर ये चीज मिसमैच हुआ ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर ही उसमें नाम पता जो भी आपका पड़ा हुआ है वो सारे सर्टिफिकेट में सारे डॉक्यूमेंट्स में है कि नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं है दोस्तों तो संशोधन करवा लीजिएगा, क्योंकि करेक्शन होता है तो आप लोग करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि 11 जून लास्ट डेट होने वाला है, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम तो होना नहीं है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है दोस्तों। और आप जैसे ही यहाँ परसेंटेज फिल करते हो ना, वहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इंडिया पोस्ट GDF का जो कि मेरिट लिस्ट तैयार कर देता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस महीने के अंत में यानी कि 25 से 30 जून के बीच में आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। भारतीय डाक विभाग स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो किस लिए रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे इसीलिए रिजेक्ट होते हैं दोस्तों क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार नहीं होते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, इस वजह से बच्चे रिजेक्ट होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स अगर होते भी हैं ना तो किसी में नाम अलग दिया हो, किसी में पता अलग है, किसी में फादर का नाम मिसमैच है, है ना, तो इस वजह से भी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि नेम एड्रेस फादर नेम मदर नेम ये सभी मिसमैच होते हैं। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने सर्टिफिकेट को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है दोस्तों, तो आपको एक अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। भारतीय डाक विभाग के पास अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा दोस्तों। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और उनसे बताएंगे कि सर मेरे पास जो है कोई सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी आपके पास नहीं होगा उसके लिए एक लेटर लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, मोहलत दिया जाएगा कि हाँ आप 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना ये सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद जो है आप सबमिट कर दीजिएगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए समय दिया जाता है दोस्तों। लेकिन आप लोग अभी अगर समय आपके पास है तो आपको खाली नहीं बैठना है, ठीक है ना। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सारे दस्तावेज तैयार कर लेना है। मैंने आपको सारा बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। भारतीय डाक विभाग में जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई है दोस्तों 12,828 सीट पे, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने भी फॉर्म को फिल किया है ना, तो दोस्तों आपके पास ये सारे दस्तावेज जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर नहीं होंगे दोस्तों तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। रिजेक्शन का मेन कारण यही डॉक्यूमेंट से ही बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपका लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप सवाल पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।